सूचना, ईयरफोन लगा ले और डिस्क्लेमर पढ़ ले बस। अरे भाभी जी, इसी चाकू से केक काट दीजिए, उसमें क्या रखा है। और देखिए ना, 10,000 सब्सक्राइबर कब के हो गए भाई, कोई जवाब ही नहीं दिया करत। बेटा इधर आओ। भाभी जी तब तक केक नहीं काटेंगी जब तक इनके चिरकुट पति देव जी बाहर से नया चाकू लेकर नहीं आ जाते, समझे। हाँ तो इसमें कौन सी राज की बात है। अच्छा बेटा, तुमको राज की बात चाहिए, रुको बताते हैं। हाँ हाँ बताओ बताओ। भाभी जी के सारे सब्सक्राइबर फेक हैं। कैसे। अबे इनका वीडियो तो देखो, कोई लाइक कमेंट करता ही नहीं, बस कहने को 10,000 सब्सक्राइबर हैं। पर यार हमने तो देखा है, भाभी जी बहुत मेहनत करती हैं, दिन रात एडिटिंग करती हैं। अबे कद्दू का मेहनत करती हैं। और तुमको बताएं, इनके सारे सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब किए हैं। भाभी ये आपके बारे में गंदा बोल रहे हैं। अरे अरे भाभी, मैं आपके बारे में गंदा बोलना छोड़िए, गंदा सोचे ना। हेलो। और बे लौंडे, किसका चूस रहा है। हेलो 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 हेलो। और बता, तेरी क्रश सविता भाभी जिसके बारे में तू हमेशा सोचता रहता है, उसका चूसने को मिला कि नहीं। हेलो हेलो, वो क्या बोले जा रहा है भाई, रॉन्ग नंबर। अबे बाप को भूल गया। अरे भाई कौन सा बाप, रखो यार बिजी हूँ। चल ठीक है मैं रखता हूँ, पर हाँ सविता भाभी पट जाए तो हमको दिलवाने वाला वादा मत भूलना। चंदन ये सब क्या चल रहा है। आपकी लेने की तैयारी। हे भगवान। अरे नहीं नहीं भाभी, बोला ना रॉन्ग नंबर, मैं तो उसको जानता तक नहीं। अच्छा तू उसे जानता नहीं, लेकिन वो तुझे और मुझे बराबर जानता है। हाँ भाभी, वो तो इसका नाम भी बराबर ले रहा था। अबे साले जली पर नमक मत लगाओ, और मेरा नाम चंदन है, सिर्फ चंदन। पर भाभी इनको सधु चंदन ही कहते हैं। अरे भाग्यवान, प्लास्टिक वाला चाकू बहुत महंगा है, तो एक काम करो, तुम इसी चाकू से काट लो। अच्छा इसी चाकू से काट ले। हाँ हाँ काट लो। रुको। अरे भगवान क्या कर रही हो।